हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हेयर एक्सटेंशन से वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान हेयर स्टाइल है और बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल है रिबन वाले हेयर एक्सटेंशन से। तो अब वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक पोनीटेल बना लेना है, या आप देख सकते हो अच्छे से ऊपर हाई पोनीटेल भी बना सकते हो। इस तरह से बना लेने के बाद आपको लेना है एक डोनट इस तरह से, और अपने ओरिजिनल जो हेयर है उसको इस तरह से निकाल देना है और इस तरह से चारों तरफ से फैला देना है डोनट के ऊपर। और उसके बाद आपको इस तरह से एक रबर लगा देना है, और रबर लगाने के बाद आप उसमें हेयर पिन से सेट कर ले अच्छे से, और जो बचा हुआ जो हेयर है ना उन सबको लेकर इस तरह से एक साइड में ले जाकर इस तरह से हम पिनअप कर देंगे, हेयर पिन से सेट कर देंगे। और दो तीन हेयर पिन आप लगा सकते हो। आप देख सकते हो मेरे कितने पतले हेयर है, तो अगर आपके भी इस तरह से पतले हेयर है तो आप हेयर एक्सटेंशन से इस तरह से हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो ये हमारा हो चुका है, और अब हम लेंगे रिबन वाले जो हेयर एक्सटेंशन है ना, ये वाले लेने हैं, और डोनट के ऊपर ही इस तरह से आपको लगा देना है, और जो रिबन है ना नीचे ले जाकर हम इसको बांध देंगे अच्छे से। आपको बांधना है और उसके बाद जितना बचा हुआ है ना नीचे ले जाकर हम पिन से अच्छे से सेट कर देंगे। तो इस तरह से हम पिन से सेट कर दिया है। और आपने अगर मेरे बहुत सारे वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप ज़रूर देखिएगा, मेरे अच्छे अच्छे हेयर एक्सटेंशन से वीडियो है, हेयर स्टाइल भी है, लगाना भी है, जो भी आपको पसंद है आप वहाँ पर देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, सारे हेयर को इसे लेंगे, ये आप देख सकते हो, और इस तरह से नीचे ले जाकर इस तरह से आपको एक रबड़ और लगा देना है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमारा हो चुका है, और अच्छे से हम करेंगे सेट, थोड़ा सा खींच देंगे जहाँ पर भी लूज़ है। तो ये आप देख सकते हो अच्छे से हमने खींच दिया है, और उसके बाद जो नीचे बचा हुआ हेयर है ना उसको भी अच्छे से सेट करेंगे। तो सेट करने के बाद हम नीचे जो वाले हेयर है ना इसको इस तरह से लेंगे और ट्विस्ट करते जाएंगे, जो बचा हुआ हेयर है इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद पूरे जहाँ पर जुड़ा है हम इस तरह से लपेट देंगे। तो मेरा हेयर रिबन निकल गया था, रिबन को मैंने अच्छे से फिर से सेट कर देंगे। तो इसी के संग मैंने लपेट दिया है रिबन को भी, और इसको अंदर करके हम अच्छे से पिन से सेट कर देंगे, ये आप देख सकते हो। तो आपको भी 4 5 6 7 जितना भी हो हेयर पिन जरूर लगाए सेट करने के लिए। मैं ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ वीडियो लंबा होने की वजह से। तो इस तरह से मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, और उसके बाद ये इस तरह का आप फूल लगा सकते हो, हेयर एक्सेसरीज जो मैंने फूल लगाया है बीच में आप इस तरह से लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरह से भी आप इसको रख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है। नहीं तो आप इस तरह से गजरा जो आते हैं ना, इस तरह से गजरा ले सकते हो, और इस तरह का हेयर एक्सेसरीज भी ले सकते हो, और सामने आप हेयर कर्ली भी रख सकते हो, और जैसा भी आपको पसंद है सामने आप हेयर स्टाइल रख सकते हो। तो ये है मेरा फाइनल जुड़ा हेयर स्टाइल। तो आप दोस्तों इस तरह से आसानी से हेयर स्टाइल कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने की, पार्लर जाने की, आप खुद ही हेयर स्टाइल कर सकते हो। बस आपके पास दो एक हेयर एक्सटेंशन होना चाहिए और आप इस तरह से हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।